पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर के इस विराट आयोजन में आप सभी भाई बहनों का, ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक आसन को ग्रहण करेंगे, फिर ध्यान मुद्रा के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आइए सिद्ध आसन में बैठते हैं, बाएं पैर को नीचे रखते हैं, बाएं पैर के तलवे को दाहिने पैर के जांघ में सटाते हैं, फिर दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के पिंडली पर रखते हैं, दोनों घुटना को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे, मेरुदंड को सीधा रखते हुए अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और ये हथेली घुटने पर रखते हुए हथेली आसमान की तरफ खुली हो, केहुनी को सीधा नहीं रखेंगे, केहुनी को मोड़ लेंगे और हथेली को घुटने पे सजा देंगे सहज भाव में, एकदम घुटना पर ऐसे धर दीजिए हथेली, इतना भी सहज भाव, बिल्कुल आनंद का भाव, कोई तनाव अंग पर नहीं। अब आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, चेहरे पर ललाट पे किसी प्रकार का कोई क्रोध तनाव का भाव जागृत नहीं करते हुए उस परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हैं कि हे परमात्मा, हम सब के जीवन के भीतर, हम सब के एक एक कोशिकाओं के भीतर उस परम पिता परमेश्वर का वास है, निवास है। तो आइए इस निवास स्थल को शिवालय देवालय बनाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण, फिर गायत्री मंत्रों का जप करेंगे। अभ्यासों का हम अपने जीवन में स्थापित करने का भाव पैदा करेंगे। तो आइए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे कोमलता से और जो कुछ भी पहली बार दिखे उसी में भगवान का, परमात्मा का, ओंकार का, विराट स्वरूप का दर्शन ऊपर का हो, सबके लिए और अपने लिए भी हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। सबसे पहले कर दो